नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं कैसे आप जो है अपना सैमसंग A50s को एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 में अपडेट कर सकते हैं। सैमसंग A50s के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुकी है, जिससे कि सैमसंग UI 1.5 जो है वो UI 2.0 में अपडेट हो जाएगा और एंड्रॉयड 9 जो है वो एंड्रॉयड 10 में अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये कुछ फीचर्स बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि इस तरह से जो है एंड्रॉयड 10 में अपडेट करने के बाद जो है ये चेंजेस आएंगे, ये इम्प्रूवमेंट्स एंड्रॉयड 10 में दी गई हैं, जिससे कि जो है आपका एक्सपीरियंस और स्मूथ और बेटर होगा अपने फ़ोन को चलाते हुए। जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया है, डिवाइस केयर, डिजिटल वेलबींग, कैमरा, कैमरे के बारे में बताया गया कि देखिए यहाँ पर आपको जो है जो मोड मिलते थे वो कुछ अलग तरह से यहाँ पर मॉडिफाई कर दिए जाएंगे और जो इंटरफेस होगा वो थोड़ा सा अलग भी होगा अपडेट करने के बाद। कैलेंडर, रिमाइंडर, फाइल्स में यहाँ पर ये कहा गया कि एक रिसाइकिल बिन का ऑप्शन दिया जाएगा आपको, जिससे क्या अगर आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाती है फाइल मैनेजर से तो वहाँ से जो आप उसको 15 दिन के अंदर रिकवर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन से, ऐसा बताया जा रहा है। अभी हम ये अपडेट जो है डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके मोबाइल डाटा से ये अपडेट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वाईफाई कनेक्ट करके भी ये अपडेट जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम ये अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जो है फिर से आपको दिखा देते हैं फ़ोन रिबूट करने के बाद। अभी दोस्तों, इस अपडेट को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके हम फ़ोन जो है वो रिबूट होगा और ये अपडेट जो है इंस्टॉल होगी, उसके बाद जो है हम आपको दिखा देंगे कि उसके बाद कैसा इंटरफेस आता है और क्या क्या चेंजेस जो है ऐप्स या आइकन्स के रिलेटेड जो है वो चेंजेस आएंगे फ़ोन में। तो दोस्तों, ये अपडेट जो है इंस्टॉल हो चुकी है और हमारा जो है डिवाइस वो रिबूट हो चुका है, अपडेट अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ पर फ़ोन में जो है एंड्रॉयड 10 में अपडेट होने के बाद और सैमसंग का जो UI होता है वो 2.0 में अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं कुछ इम्प्रूव हो चुके हैं। और अभी जो है हम आपको कुछ ऐप्स ओपन करके भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ओपन किया है कैमरा। यहाँ पर देखिए ये इंटरफेस जो है पहले की बजाय काफ़ी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर देखिए अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल मोड के लिए भी देखिए अलग से आइकन्स जो है वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आप फूड, नाइट मोड और ये देखिए प्रो, ये कैमरा मोड्स जो हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर बात करें फ़ोन के कैमरा की सेटिंग्स के बारे में तो वो लगभग पहले की तरह बिल्कुल सेम ही हैं। और दोस्तों, अभी हम ओपन कर लेते हैं कुछ ऐप्स को। अभी ओपन किया है हमने कैलेंडर और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप स्टिकर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं किसी भी इवेंट को बनाकर किसी भी तारीख पर। इसके अलावा हम आपको कुछ और ऐप्स ओपन करके दिखाएंगे, जहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या चेंजेस जो है देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अभी हमने ओपन किया है माई फाइल्स ऐप, जो कि सैमसंग में इनबिल्ट जो है फाइल मैनेजर होता है। और यहाँ पर देखिए आप रिसाइकिल बिन को ऑन कर सकते हैं, जो यहाँ पर रिसाइकिल बिन का जो है ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। इसको ऑन करने के बाद अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है फाइल मैनेजर से तो आप उसको जो है रिकवर कर सकते हैं 15 दिनों तक, ऐसा ही यहाँ पर अपडेट में बताया गया था कि 15 दिन तक जो है आप वो फाइल रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वाकई में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पर देखिए आप जो मीडिया जो
बटन्स हैं या फिर मीडिया रिलेटेड जो आपके ऑप्शन हैं वो भी इम्प्रूव कर दिए गए हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये फीचर जो है वाकई में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और कुछ फीचर्स को इम्प्रूव कर दिया गया है। और धीरे धीरे इस एंड्रॉयड 10 अपडेट के बाद, फ़ोन को चलाने के बाद धीरे धीरे और जो नए फीचर्स होंगे वो चलाने के बाद ही अच्छी तरह से पता चल पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।